दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा जब भी आप अपनी पीसी लैपटॉप या मोबाइल के अंदर अपना यूट्यूब ओपन करते होंगे और वहाँ पे कुछ सर्च करते होंगे, कुछ भी टाइप करते होंगे, तो वहाँ पर आपकी पास्ट हिस्ट्री आपके सामने आ जाती होगी, यानी कि पास्ट जो आपने टाइप किया है, जो सर्च किया है, वो आपके सामने शो हो जाते होंगे। और अगर आप उन सब हिस्ट्री को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आज आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं डिकोड मनीष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल को प्रेस कर लें, मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब हम YouTube की जो सर्च हिस्ट्री है, इसे हम किस तरीके से रिमूव करेंगे। यहाँ मैं आपको मोबाइल में करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग मोबाइल में सर्च करते हैं और मोबाइल ज्यादातर यूज होता है हर टाइम पे, कभी भी कोई भी YouTube पे सर्च कर लेता है कुछ ना कुछ, आज उसी के बारे में बताऊंगा। पर सेम प्रोसेस इसका आपका डेस्कटॉप पीसी पे भी, या डेस्कटॉप जो भी आप यूज करते हैं, लैपटॉप या आईपैड जो भी यूज करते हैं, और सेम प्रोसेस इसका रहेगा। तो चलिए मैं आपको फटाफट इसका जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या करना है आपको, आप अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। ये अपना यूट्यूब ओपन हो गया हमारा, ठीक है, यूट्यूब हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही हो जाता है, पर अगर आपने अपना YouTube पे आपने लॉग इन नहीं किया है, तो फर्स्ट मेक श्योर करें कि आपको अपना लॉग इन अपनी ईमेल आईडी से ज़रूर हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप अपना जीमेल आईडी अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं आप, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ले लेगा। अगर नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही ये आप ऑप्शन भी आएगा, आपके सामने नज़र आएगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करनी है इसकी सर्च हिस्ट्री। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च पर करूँ, तो देखिए ये अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं इतने सारे। ये मेरी पास्ट हिस्ट्री है, ठीक है। अब मुझे इसे रिमूव करनी है, तो रिमूव करने क्या करना पड़ेगा, हमें ये लाइब्रेरी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। लाइब्रेरी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसे हिस्ट्री पे क्लिक करना है। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद हमें ये तीन डॉट्स जो दिए हुए हैं ऊपर, इस पर क्लिक करना है और हिस्ट्री कंट्रोल पर चले जाना है। यहाँ पर आपके सामने नजर आएगा, ये देखिए हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाएंगे, क्लियर वॉच हिस्ट्री, क्लियर द अकाउंट वॉच हिस्ट्री फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, दिस विल आल्सो क्लियर योर स्टोरीज एंड वॉच हिस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे क्लियर सर्च हिस्ट्री का, जो है क्लियर सर्च मेड विद द अकाउंट फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस। यानी कहने का मतलब ये हुआ पहले वाले का, कि क्लियर वॉच हिस्ट्री, जो भी आपने पास्ट में अपनी जो वीडियोस देखी हैं, जो भी आपने देखा है, उसकी हिस्ट्री को रिमूव करना चाहते हैं, या फिर जो आपने सर्च किया है क्लियर वॉच सर्च हिस्ट्री में, जो भी आपने सर्च किया है सर्च बार में जाके, उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों, जब मेरे को ऑप्शन मिल रहा है कि मेरे को जो वॉच हिस्ट्री भी रिमूव करनी है और सर्च हिस्ट्री भी रिमूव करनी है, तो हम दोनों पे क्लिक कर देते हैं। तो ये जो हमने वीडियो जो लास्ट पास्ट में अपने पास्ट YouTube पे देखी है, उसका रिमूव करने के लिए तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्लियर वॉच हिस्ट्री यूर, देखिए यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी, मेरा सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे क्लियर वॉच हिस्ट्री पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, तो ये मेरी पूरी हिस्ट्री रिमूव हो गई यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्लियर सर्च हिस्ट्री पे टैप कर लूंगा, और यहाँ पे जैसे मेरा ये ऑप्शन खोलेगा क्लियर सर्च हिस्ट्री पे, इस पे टैप कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब चलते हैं बैक, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपने अब उस हिस्ट्री को सारे रिमूव कर लिया। अब रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको इसको एक बार बंद कर देना है। तो आप इसे बाहर निकलाइए, ठीक है। अब इसे दोबारा ओपन करिए, जैसे कहने का मतलब इसे रिफ्रेश करना हुआ, पर ये जब तक ऐप ओपन करके बंद नहीं होगा, उसे ओपन नहीं करोगे आप क्लोज करके, तब तक ये सर्च करें। आप देखिए, अब मैं अगर इसे सर्च पे क्लिक करूंगा, तो मेरी जितनी भी पास हिस्ट्री थी वो सारी रिमूव हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री कहें या वॉच हिस्ट्री कहें, आप उसे रिमूव और डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।